हेलो एंड वेलकम, मेरा प्यार भरा सलाम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। आई होप आप सभी ने मुझे मिस करा होगा, तो चलिए आज का दिन मेरे साथ गुजारिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हैयान अभी बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ वीडियोज बनाऊं, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाती यूजुअली। एंड ज्यादा टाइम होने के बाद मैं सोचती हूँ अब मैं क्या ही अपडेट दूं, पुरानी बात हो गई है। तो खैर, आज का दिन मेरे साथ गुजारिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। सो आज कल हमारा रूटीन बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हयान कभी कभी रात में उठ जाते हैं 2-3 बार, तो दिक्कत होती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग स्ट्रेच स्लीप ले रहा है। खैर, सुबह हमने की एंड उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने हयान को उनकी दादी को हैंड ओवर करा और फिर मैं आ गई अपने काम समेटने। सो रूम समेटने के बाद मैं आई कपड़े फोल्ड करने, जो ऑलरेडी सूख चुके हैं। मैं इंडोर कपड़े सुखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बालकनी में कभी कभी कबूतर आते हैं एंड मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे ये क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड 3 टायर है एंड ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं, ये सिर्फ 999 का है एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फाइनली सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको जगह से अलमीरा में रख देते हैं। इसके बाद बारी है लॉन्ड्री की। ज्यादातर मैं डेली वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, क्योंकि किसी भी दिन स्किप हो जाता है तो अच्छे खासे कपड़े लग जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबाइए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आप पास सबसे पहले पहुंचे। अब जब तक कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, बारी है डस्टिंग की। एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग की हाउस कीपर आती है जो कि बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम करती है, बट स्टिल मैं प्रिफर करती हूँ क्लीनिंग डस्टिंग खुद करना, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, जब ऐसा मैं कर रही होती हूँ तो मुझे अपनी बॉडी लाइट फील होती है, मैं ज्यादा फोकस कर पाती हूँ एंड आई डोंट नो, लगता है मैं अपना माइंड क्लीन कर रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अब बारी है एक्सरसाइज की, एज आई एम ट्राइंग टू लूज सम वेट। आप देख पा रहे होंगे मेरा अच्छा खासा वेट गेन हुआ है। डॉक्टर ने मुझे 5 kg वेट रिड्यूस करने को कहा है, जिसके लिए मुझे 4 किलोमीटर डेली वॉक बताई है। आई नो जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करती हूँ जो कि मेरे कमरे को कमर बनने में हेल्प करेंगी, आई मीन मम्मी टमी को रिड्यूस करेंगी। सो 30-40 मिनट्स मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद मैंने हयान को नहलाने का इंतजाम करा। हयान की सारी चीजें एक जगह इकट्ठे की, जैसे टाल डायपर क्लोथ्स और जो भी रिक्वायर्ड है नहलाने से पहले। इसके बाद मैंने हयान का बाथटब सेटअप करा। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था बेबी हग से और ये मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल गया था उस टाइम पे। अच्छी बात ये है कि ये फोल्डेबल है, आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, प्लस इसमें इनबिल्ट थर्मोमीटर है तो ये एग्जैक्ट पानी का टेम्परेचर बताता है। अब जो हम पानी लेने वाले हैं वो हमें वार्म रखना है, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो 20-30% हमारी स्किन से पतली होती है। और हमें नहलाते टाइम ये भी ध्यान रखना है उस जगह का टेम्परेचर ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म, और नहलाने के बाद भी हम जिस रूम में लेके जा रहे हैं बच्चे को वो भी ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अभी अराउंड पानी का टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, जो कि आइडियल है और मेरे रिस्ट के हिसाब से भी सही शो कर रहा है। तो अब मैंने इसमें बॉडी जेल ऐड करा है हयान का, हिमालय का, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसका कुशन फिक्स कर रही हूँ। इससे बच्चे को ना ही सिर्फ सेफ्टी मिलती है बट कंफर्ट भी मिलता है, क्योंकि अगर बाथ टब में डायरेक्ट बिठा लेंगे और हम सोपी वाटर यूज करते हैं तो बच्चे स्लिप हो सकते हैं। इस वजह से कुशन सेफ्टी देता है, कम से कम बच्चे स्लिप नहीं होते हैं। अब मैं और मम्मी मिलके हयान को नहलाएंगे। मैं अकेले नहीं हयान को नहलाती, क्योंकि मैं जितने भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर लूं मुझे थोड़ा सा डर लगता है, प्लस मम्मा इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सो माशाल्लाह से हयान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद माशाल्लाह अच्छे से फीड करने के बाद अब सो भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम सब ने मिलके लंच करा और लंच करने के बाद मैं आ गई तैयार होने, सिंस मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना है। मीनवाइल गेटिंग रेडी में पूरा टाइम ये सोचती रही कि वक्त कितनी तेजी से बीत रहा है। लाइक एक पल में आप स्कूल फ्रेंड्स थे एंड अगले पल में आप अपने बेबी के साथ अपने फ्रेंड के बेबी से मिलने जा रहे हैं। ये सारी चीजें प्रोसेस करते करते मैं रेडी हो गई और इनका फोन भी आने लगा, तो जल्दी से मैंने अपना अबाया निकाला और हैंडबैग निकाला और हयान का डायपर बैग रेडी करके मैं पहुंच गई हयान को रेडी करने। इसके बाद मैंने इनकी शर्ट आयन की, जो कुछ कुछ सिमिलर है मेरे सूट के कलर में। फाइनली हम लोग कार में बैठ चुके हैं एंड वी बोथ आर एक्साइटेड टू मीट आवर फ्रेंड्स।
सो फाइनली आई एम हेयर, बट अभी बेटू सो रहे हैं तो मैं वेट करूंगी उनके जागने का। ये रहे हयान अपने फायजा खाला साथ खेलते हुए। खूब ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद एंड बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल दिए अपने घर। ऑन द वे मुझे याद आया हयान के ज्यादातर क्लोथ्स अंडर साइज हो गए हैं, सो वी डिसाइडेड टू डू सम शॉपिंग। और हम मॉल में रुके और हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग की क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा लेट हो चुका था एंड मॉल भी बंद होने वाला था। घर आने के बाद हमने किया डिनर और उसके बाद हयान वॉज फीलिंग स्लीपी तो फिर मैंने हयान को सुला दिया। उसके बाद फाइनली शुरू हुआ मेरा मी टाइम जिसमें मुझे थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता है जब मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और थोड़ा टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करती हूँ। फॉर ऑल न्यू मॉम्स आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप खुद के लिए वक्त निकालें, बट ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी बॉडी में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। सो बहुत ज़रूरी है आप खुद को वक्त दें ताकि आप खुद को रिकवर कर सकें उस चेंज से। और स्किन केयर से पहले ही मैंने अपना वजू कर लिया था ताकि मैं नमाज भी पढ़ लूं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।